बीते दिनों कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट इंटर्न डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले के खिलाफ आज लुधियाना में एबीवीपी पंजाब स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी विश्वास वैद और पंजाब बीजेपी स्टेट महिला मोर्चा की चेयरपर्सन राशि अग्रवाल ने स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर आरती चौक पर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान सबने जमकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। स्टूडेंट्स ने कहा कि गुनाहगार को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और विक्टिम की फैमिली को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऐसा घिनौना काम करने से पहले कोई भी डरे। लुधियाना से राजवंत की रिपोर्ट, खबरी अड्डा न्यूज। देखिए हमारे समाज में घूमते हुए ये नर के वेश में ये जो हिंसक जानवर घूम रहे हैं, सबसे पहले समाज से मैं आज गुजारिश करूंगी, ये विनय अनुनय करूंगी, हमें अपने बीच में इस तरह की मानसिकता के जो लोग घूम रहे हैं, हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल कानून के हम लंबे हाथ अवश्य हैं, लेकिन आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में हम अपने बच्चों को अपने बेटों को अपनी बेटियों को इस प्रकार से शिक्षा दें कि हमें समझ में आए कि इस तरह के लोग किस मानसिकता से समाज में घूम रहे हैं। ये बहुत ही विडंबना है कि ये पुलिस का ये सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था और जिस प्रकार से इसने काम किया है, इसने बर्बरता की हर हदों को पार करते हुए जिस प्रकार से एक महिला के उत्पीड़न की एक नई गाथा लिख दी है, जो कि काले अक्षरों में इतिहास इसे सदैव याद रखेगा। लेकिन आज की आवश्यकता है, यदि मैंने ये इस बिटिया के लिए ओम शांति का यहाँ से मेरा भाव है, तो आज वास्तव में गली गली मोहल्ले से यही आवाज निकल रही है, इस बार न्याय की पराकाष्ठा इस प्रकार से हो कि हर आज जो भारत का भाई पिता बेटी हर महिला जो आज इस कांड से प्रताड़ित हो गई है, अंदर तक जो हिल चुकी है इस प्रकार से इन व्यक्ति विशेषों के साथ जिन्होंने कोशिश की है, बेटी के साथ जिन्होंने हत्या ही नहीं की,
उन्होंने इंसानियत के सब मूल्यों का भी वास्तव में उन्होंने उनका स्मरणाशी कर दिया है। तो न्याय इस तरह हो हर व्यक्ति के लिए, तो हमारे समाज में ऐसी नकारात्मक भाव से घूम रहे हैं उनके लिए एक बड़ा उदाहरण। आपके अकॉर्डिंगली कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए? जैसे क्या कहना चाहोगे जो ये सब हुआ है? बनता सरकार मिलके ही मांग करते हैं सरकार तो, जिस तरीके बंगाल के अंदर दुष्कर्म वापरे है असी उहदे खिलाफ खड़दे हां। जिस तरीके बंगाल सरकार अपनी लैक ऑफ इच्छा शक्ति दिखा रही है, अपनी केयरलैसनेस दिखा रही है, जिस तरीके दोषियों नूं बचाने की कोशिश की जा रही है ते मुख्यमंत्री वल्लों ढोंग किया जा रहा है, असी सारे युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इहदा पूरी जोर नाल आपां इहदा विरोध करते हां। साडी इक्को इक यही मंग है कि जल्द तो जल्द आरोपियों नूं फांसी दी जाए, उन्होंने पढ़िया जाए, फांसी दी जाए, तो जिन जिहड़े भी साडे विक्टिम ने उन्होंने जल्द तो जल्द न्याय दिता जाए। जल्द तो जल्द इहदे उपर प्रॉम्प्ट एक्शन लिते जाण। बंगाल सरकार जो अज सुप्रीम कोर्ट ने सो मौका लिता इस केस का, जे पहले ही बंगाल सरकार ने सही तरीके इहदे उपर एक्शन लिता होंदा तां शायद सानू अज इस चीज की लोड़ ना पैंदी। साडी यही मंग है कि आरोपियों नूं जल्द तो जल्द फड़िया जाए, आरोपियों नूं बचाना नहीं चाहिए, तो कोई भी पार्टी होवे इस मुद्दे से असीं किसी भी हाल च राजनीति नूं एक्सेप्ट नहीं करदे। यही साडी की आवाज़ है। बिकॉज डॉक्टर्स नूं जिहड़ा हैगा नाइट शिफ्ट्स करनियां पैंदियां ने। एक पासे ममता सरकार ने पिछले महीने डॉक्टर टीचर एक आमदन इशू की डॉक्टर टीचर इन्नी आमदन दी जाऊगी, टीचर के नाल डॉक्टर के नाल इदा का व्यवहार किया जा रहा उन्होंने सरकार। असं यही कहना जिस तरह महिला सशक्तिकरण अगे वध रहा वा तो उन्होंने ये रोस प्रदान छड़ के अपना इस्तीफा देना चाहिए वा, तो जिहड़ियां कुड़ियां दे नहीं बनती उन्होंने कार्रवाई उन्होंने हक की लड़ाई आ वो लड़न के लिए सारे समाज सेवी ने सारे लुधियाने वासियों को पंजाब वासियों को किया। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਅਬੁਲ ਮਾਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕਨ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੋਟ ਨੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਧੀ ਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕਪੂਰ। Justice is very important for all of us.